YouTube पर ग्राफ आपको नहीं पता है ये ग्राफ क्या होता है, आपका YouTube चैनल है और आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता, तो आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं कैसे ग्राफ का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को जो है जीरो से जो है 1 मिलियन तक ले जा सकते हो, किस तरह से और कैसे। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है हम अपने चैनल पे हैं, एक हमारा स्टेटस चैनल है, इसके बारे में हम बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है जैसे आप देख लीजिए कि आपकी किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं अभी तक, आपने जो भी 100, 200, 500 वीडियो डाली हैं और उसमें से आपको पता होगा आपने किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, उसको आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसके गो सेटिंग में चले जाना और यहाँ पर आपको देखिए इसकी रिच दिख जाएगी, कितनी रिच है, कितना ऑडियंस रिटेंशन है, कहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन आया है, कितना नहीं आया है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए व्यूज़, हमारे व्यूज़ यूट्यूब ने केवल 400 लोगों तक भेजा है। ओके, और 400 में से हमारा कितना, 400 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे। जो है व्यूज़ गए हैं, ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे देखिए, हमारे शुरू में 100% वीडियो चली और लास्ट के 6 सेकंड जो थे उसमें जो है ऑडियंस छोड़ के चली गई, यानी कि लास्ट की जो हमारी शायरी जो थी वीडियो वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, तो इस मारे ऑडियंस ने यहाँ पे सबने देखिए छोड़ दिया कुछ इस तरह से। ओके, तो आपको अपनी वीडियो इस तरह से बनानी है कि यहाँ पर आपको गाइस शुरू के 30 सेकंड किसी को भी रोक के रखना है, कैसे भी करके आप शुरू के 30 सेकंड रोक लोगे तो जो है जो बंदा वीडियो आपकी देख रहा है जिस टॉपिक की, वो जो है आगे की 1-2 मिनट और देखेगा। आपको शुरू में ऐसा कुछ बताना है जो है जो भी कोई देख रहा है आपकी वीडियो उसे पसंद आए, उसके कुछ समझ में आए, ना कि आप अपने शुरू में ही अपना इंट्रो दे दो काफ़ी लंबा चौड़ा, उसी में ये जो बंदा होता है वो भाग जाता है, कहता है यार इतना लंबा इंट्रो है इसका, तो वो नहीं देखता है। आपको जो है शुरू में ही शुरू के 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो को ऐसा रखना है जो मेन टॉपिक हो, मेन टॉपिक आपको शुरू का वीडियो का रखना होगा और उसी से आपकी ऑडियंस रिटेंशन बनेगा और यूनिक व्यूज़ भी उससे आपको मिलेंगे और आपके जो है यूट्यूब जो है आगे रिकमेंड करेगा वीडियो को जाने के लिए। ओके, यहाँ पे जो है आपको दिखा देते हैं वॉच टाइम, वॉच टाइम हमारा 60 मिनट है। क्यों है मिनट 60 मिनट, क्योंकि स्टेटस वीडियो है तो इस पर जो है कम ही आता है। ओके, यहाँ पर आपको हम सब्सक्राइबर दिखा देते हैं, यहाँ पर हमें एक सब्सक्राइबर मिला, वो भी कहाँ पर मिला, आधी जब वीडियो हो गई थी तब एक बंदे ने सब्सक्राइबर करा। तो आपको ऐसी वीडियो बनानी है को जो बंदा आए शुरू में ही आपकी वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और फिर लास्ट में वीडियो को देखें, क्योंकि जब वो 2-3 सेकंड की में ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तो लास्ट में जो है उसे 30-40 सेकंड जो है वो अपने आप और देख लेगा कि इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है इस तरह से। अब आपको रिच में हम जाते हैं, रिच में जाके दिखा देते हैं कि देखिए हमारा यहाँ पर ये टॉपिक था, इस टॉपिक पर तो वीडियो सर्च करी गई है लेकिन यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो को सर्च करा गया है, इस तरह से यहाँ पर सर्च कराया गया। तो आपको देखना है कि आप किस तरह के यहाँ पर हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के आप यहाँ पर टॉपिक डाल रहे हैं, वो आपको देखना है, आपको किस तरह के टॉपिक चल रहे हैं, किस तरह के टॉपिक पर आपको व्यूज़ आ रहे हैं, उसी तरह के टॉपिक को आपको पे ही वीडियो बनानी है, यानी कि वही टॉपिक नहीं उसी तरह से सेम वैसी एक टॉपिक बनाना है। यहाँ पर जो है आपको इसकी बारे में सेटिंग मिल जाती है ये सब। ओके, तो इन चीज़ों को आप एक आराम से बैठ के देखिए कि आपके किस व्यूज़ पर कहाँ पर ऑडियंस आ रही है और कहाँ पर ऑडियंस जा रही है, यानी कि जो लोग देख रहे हैं कहाँ पर आपकी वीडियो को देख रहे हैं कहाँ पर नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारी इस वीडियो में जो है यहाँ पर शुरू में तो स्लो चला, फिर लास्ट में देखिए जी ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर जो गया है उसका मतलब ये है कि जैसे कि लोगों ने उस पार्ट को जो है दोबारा स्किप करके देखा है, और जो नीचे गया है उस पार्ट को उन लोगों ने जो है जो भी लोग थे उन्होंने उसे आगे स्किप कर दिया है, जो ऊपर गया है पार्ट उसको लोगों ने दोबारा बैक करके आगे देखा है पीछे देखा है, और जो पार्ट नीचे गया है लाइनिंग जो लाइनिंग नीचे जाती है उसको जो है लोगों ने स्किप कर दिया। वो स्किप क्यों करा, यहाँ वहाँ पर जो है आपने इंट्रो दिया होगा अपना या फिर कुछ गलत चीज़ बता दी तो वहाँ पर जो है लोगों ने ऑडियंस ने आपको आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं ऑडियंस रिटेंशन, यहाँ पर देखिए शुरू में सही चला और बीच में एकदम से थोड़ा सा गिरा फिर ऊपर उठा, यानी कि यहाँ पर जो है गाइस
कुछ वीडियो में था जो लोगों ने देखा, इसके पीछे बैक करके फिर से आगे देखा तो यहाँ पे जो है इसके बारे में यहाँ पर दिखा रहा। फिर जो है लास्ट में वीडियो जब ख़त्म होने तो यहाँ पर जो है आप अपने ग्राफ को देखो और समझो कि आपकी ऑडियंस जो है कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है, यानी कि क्या सर्च कर रही है आपकी ऑडियंस, वो आपको सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। ना कि आप ये देखो कि आप अपने वीडियो डाला डाल, उससे कोई मतलब ही नहीं। आप वीडियो लो, उसे देखो आराम से, कहाँ पर ऑडियंस क्या रिटेंशन दे रही है, क्या नहीं दे रही, यानी कि आपके में यूनिक ऑडियंस आ रही है, इम्प्रेशन देखिए, आपको इम्प्रेशन दिखा देते हैं। यूट्यूब में जो है केवल 1000 लोगों के पास रिटेंशन भेजा, ओके, इम्प्रेशन भेजा, और जो है 966 लोगों ने देखा, यानी कि हमारा थंबनेल कुछ इस तरह का था जो है 1000 लोगों के पास भेजा गया, उसमें से 966 लोगों ने देखा। तो आपको इससे ये पता चल जाए कि आपका थंबनेल किस तरह का है और किस तरह से लोग देख भी रहे नहीं। आपका जैसे कि 1000 ने भेजा और आपका केवल 100 लोगों ने ही देखा, तो आप समझ जाइए कि आपका जो भी थंबनेल है वो उसे आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल गाइस हमारा अभी थंबनेल इतना अच्छा नहीं है, तो हमें और अभी इसको अच्छा करना पड़ेगा। फिर भी जितना भेजा गया उस हिसाब से जो है यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ पर आपको शॉर्ट फीड मिल जाती है, शॉर्ट फीड से हमारा जितना भी व्यूज़ आए शॉर्ट फीड में हमारी वीडियो गई थी तो जो है हमें यहाँ पर इतने मिले। इम्प्रेशन देखिए, यहाँ पर देखिए शुरू में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए काफ़ी लास्ट में जो है काफ़ी लोगों ने इसे देखा है, यानी कि बैक कर करके लोगों ने इसको देखा है वीडियो को आगे करके। तो यहाँ पर जो है आप इन चीज़ों को समझो और देखो। यहाँ पर देखिए व्यूज़ आना थे केवल 1000 व्यूज़ ही आना थे, आ गए हमारे पे 1600, यानी कि 600 व्यूज़ जो हैं जो बढ़ती आ गए हमारे इस पर। वो कैसे आए हैं? क्योंकि हमारा थंबनेल अच्छा था इस वीडियो का और हमने जो भी हैशटैग या फिर कीवर्ड यूज़ करे थे वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिले। यहाँ पर यूनिक व्यूज़ नहीं है, यहाँ पर आपको एज मिल जाती है, किस तरह की एज के लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 16-17 एज कम देख रहे हैं और 18 से 24 साल के लोग काफ़ी देख रहे हैं इस वीडियो को, ओके। और 25 से 34 और 35 से 44 यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आपकी वीडियो को मेल देख रहे हैं ज़्यादा या फिर फीमेल, ओके। ये आपको मिल जाता है यहाँ पे, आपको देखने को मिल जाए कि आप इन टॉपिक पर इन लोगों के लिए वीडियो बनाइए, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाए। यहाँ पर आपको मिल जाए कि आपकी वीडियो इंडिया में चल रही है सबसे ज़्यादा या फिर कहीं और चल रही है, कहाँ से आपके व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी आपके व्यूज़ आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको वीडियो को अपने बनाना होगा, अपनी वीडियो को मैनेज करना होगा। किस तरह से आप करोगे वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से यहाँ पर अपनी वीडियो को लोगों के सामने भेज पाओगे, लोगों के सामने कैसे आपको दिखाना है अपनी वीडियो को। ये हमारी शॉर्ट वीडियो है, आप लॉन्ग वीडियो पर भी कुछ इसी तरह से अपने हिसाब से कर सकते हो और यहाँ पर काफ़ी सारा आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। आप इसी तरह से अपने टॉपिक पर वीडियो बनाते रहो और वीडियो जो है ऐसे ही बनाते रहोगे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट